सर मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए बोला था, वो डल गए क्या? क्या डल गए? थैंक यू सो मच सर। काजल देखो तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आए हैं क्या? हाँ मैं देखती हूँ। हाँ पैसे आ गए हैं। ठीक है, वो काजल तुमने कहा था ना कि तुमको स्कूटी लेनी है और आईफोन लेना है, तो एक काम करो तुम उससे स्कूटी और आईफोन ले लो और जो बाकी पैसे बचेंगे तुम उससे शॉपिंग कर लेना। ओके ठीक है मैं चलता हूँ। अरे सुनो, अभी तो तुम आए थे तो अब कहाँ जा रहे हो? अरे यार काजल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं आके मिलता हूँ तुमसे। हेलो जी सर, क्या फॉरेन कंट्री में मीटिंग है? 1 हफ्ते के लिए रहना पड़ेगा? ठीक है सर मैं निकलता हूँ अभी। ओके सर ठीक है। काजल यार मुझे 1 हफ्ते के लिए फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं फटाफट निकलता हूँ, तुम मेरा सामान पैक कर दो। सम्राट मेरी बात सुनो। हाँ जल्दी बोलो। अरे मेरी बात तो सुनो, अभी अभी तुम आए हो और कम से कम खाना तो खाकर जाओ। अरे यार मैं लेट हो जाऊंगा, मैं बाहर ही कहीं खा लूंगा मैं खाना। अरे यार एक बार मेरी बात तो सुनो कम से कम। देखो काजल मुझे पता है तुम्हें कुछ चाहिए होगा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, बस मुझे फटाफट जाने दो। यार कम से कम एक बार सुन तो लो। अरे मैं लेट हो जाऊंगा, मैं आके सुनूंगा तुम्हारी बात। सम्राट एक बार मेरी बात तो सुनो। काजल अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाके सो जाओ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। यार बात मत कल करेंगे ठीक है, चुपचाप जाके सो जाओ। सम्राट मेरी बात तो सुन लो, तुम मेरी कभी भी बात नहीं सुनते हो। देखो तुमसे बात करने के लिए 1 मिनट भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्रोजेक्ट रेडी करना है, फाइल तैयार करनी है मुझे कल के लिए, समझी तुम? चुपचाप जाके सो जाओ। जी सर बस निकल रहा हूँ सर, मैं घर से निकल रहा हूँ। ओके सर ठीक। सम्राट सुनो। हाँ बताओ। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यार काजल तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे अर्जेंट मीटिंग करनी है। सम्राट आज तो आपको मेरी बात सुननी ही होगी। यार काजल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? सम्राट क्या हो गया है तुम्हें, तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो, सुबह उठते हो तो ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस के काम में लगे रहते हो, बिजी रहते हो, और जब घर पर आते हो तब भी काम में लगे रहते हो ऑफिस के। इवन तुम्हें याद भी है कि लास्ट टाइम हमने कब साथ बैठकर बात की थी, खाना खाया था? और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। क्यों काजल भूल गई तुम? आज बहुत थक गया यार। काजल एक गिलास पानी पिला दो यार। तुम खुद जाकर ले लो, मुझसे मत बोलो। यार खाली तो बैठी हो, एक गिलास पानी ले आओ तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमसे बोला ना मैंने कि खुद जाकर ले लो। अरे काजल ये तुमको अचानक क्या हो गया? मैंने एक गिलास पानी ही तो मांगा है तुमसे, तुम कुछ कर भी नहीं रही हो, और एक गिलास पानी ले आओगे तो क्या हो जाएगा इसमें? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुमको कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम सर पे चढ़ गई हो क्या? प्यार, प्यार की बात ना तो तुम करो ही मत, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें ना प्यार से पूरी नहीं होती है, इंसान की ख्वाहिशें पैसों से पूरी होती हैं, महंगे घर से, महंगी गाड़ी से, और तुमने ना मुझे इनमें से कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए ना तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दो। और हाँ 1 महीने पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे स्कूटी चाहिए, और तुम मुझे एक स्कूटी तक नहीं दिला पाए। तुम्हें पता है
तुम्हारी वजह से ना मुझे मार्केट पैदल जाना पड़ता है, मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील होता है। मेरी सारी सहेलियों के पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में घूमती है और मैं पैदल धक्के खाती हूँ। बड़े आए प्यार वाले। अच्छा समझ गया मैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया ना, तो एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं तुम एक पर्चे पे लिख के मुझे दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरा करने की। तो तुम्हें लिस्ट चाहिए? लिस्ट तो मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है, एक मिनट रुको। ये रही लिस्ट, और मुझे ना पूरा यकीन है कि तुम इसमें से ना मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। ठीक है काजल, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं। ये है तुम्हारी ख्वाहिशों की पर्ची, इसमें से आधी ख्वाहिशें तो मैंने तुम्हारी पूरी कर दी है, आधी बची है वो भी पूरी कर दूंगा। जैसे तुमने कहा था, स्कूटी, आईफोन, मेकअप का सामान, शॉपिंग, ये सब तो मैंने पूरा कर दिया है, जो आधी बची है वो भी मैं पूरा कर दूंगा। और इन सब ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, वही मैं कर रहा हूँ। इस पर्ची में तुमने सब कुछ लिख दिया जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इस पर्ची में तुमने ये नहीं लिखा कि मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। इसमें से आधी ख्वाहिशें मैंने तुम्हारी पूरी कर दी है, जो आधी बची हैं वो भी पूरी कर दूंगा मैं। सुनिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? तुमने मुझे अपनी ख्वाहिशें बताई है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ बस, और क्या है। सम्राट नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं करना मुझे अपनी ख्वाहिशों को पूरा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारा प्यार और तुम्हारा वक्त। मैं ही पागल थी जो अपने दोस्तों का लाइफस्टाइल देखकर बहक गई थी, और तुम्हें मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं सुनाया, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब। प्लीज सम्राट मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ हम सब के लिए जो सब मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें इतना सुनाया। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहूँगी और ना करूँगी, और आज के बाद मैं तुमसे किसी भी चीज़ की कोई डिमांड नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे अच्छा लगा तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। और हाँ काजल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, खुशकिस्मत वो पत्नी नहीं होती जिसके पति के पास बहुत सारा पैसा, बंगला, गाड़ी होता है, बल्कि खुशकिस्मत वो पत्नी होती है जिसका पति उसको वक्त दे, प्यार करे, सम्मान करे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो खुशी मैं उन पैसों में देख रही थी वो खुशी उन पैसों में थी ही नहीं, बल्कि वो खुशी तो मेरे पति के प्यार में थी। ठीक है तुम फटाफट रेडी हो जाओ, हम लोग फिल्म देखने चलते हैं। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ।